अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हम कर रहे थे उसकी एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ेस लॉ, जो आज का हमारा टॉपिक है। दो एप्लीकेशन हम कवर कर चुके थे, एक एप्लीकेशन रह गई थी। वो एप्लीकेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। नाम से ही हमें पता चल रहा है दो चार्ज प्लेट्स होंगी, पैरेलल रखी जाएंगी एक दूसरे के और वो ऑपोजिटली चार्ज होंगी। ठीक है, लेट्स इमेजिन हम करते हैं हमारे पास एक प्लेट है और वो कौन सी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरी प्लेट इमेजिन करते हैं, दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो हम पैरेलल इनको ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल सेम प्लेट्स हैं साइज की और बट ऑपोजिटली चार्ज है। एक प्लेट की इनर सरफेस किससे फील्ड है, पॉजिटिवली चार्ज से। एक दूसरी प्लेट जो है फील्ड है कौन से चार्जेस से, उसके अंदर चार्जेस हैं नेगेटिव। ठीक है, तो हम जानते हैं जो फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होंगी, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, एज इट इज़ इनका जो डिस्टेंस होता है फील्ड लाइन का वो बिल्कुल सेम होता है अदर फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं फील्ड लाइन्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट हो रही हैं, हर पॉइंट से जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हम स्पेसिफिक लेते हैं, पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी से हम फाइंड करेंगे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ेस लॉ है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉज़ेस लॉ के मुताबिक तो जो गॉज़ेस लॉ की दो कंडीशन हैं, फर्स्ट कंडीशन, टू कंडीशंस जो है मस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए किसके लिए, गॉज़ेस लॉ के लिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि जो चार्ज हमारा है वो इनसाइड द सरफेस होना चाहिए, चार्ज इनसाइड द सरफेस, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है कि जो सरफेस हो वो मस्ट बी क्लोज हो, एक सरफेस क्लोज होनी चाहिए, दूसरा जो चार्ज है इनसाइड द सरफेस होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, क्या ये गॉज़ेस लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। सबसे पहले कि चार्ज इनसाइड द सरफेस है, हाँ चार्ज हमारे पास दोनों प्लेट्स का इनसाइड द सरफेस है। ठीक है, दूसरा क्लोज सरफेस नहीं है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ इस तरफ भी कोई बैरियर नहीं है, इस तरफ भी कोई बैरियर नहीं है, तो दोनों प्लेट्स जो हैं ओपनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो इसकी वजह से हम क्या करते होते हैं, इस कंडीशन के लिए हम जो सरफेस होती है उसमें हम इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए हम एक इमेजिनरी सरफेस लेनी पड़ती है, उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम लेट्स सपोज ये वो गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, ये वो गॉसियन सरफेस है जिसमें से हमने फाइंड करनी है फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब गॉज़ेस लॉ की कंडीशन अब फुलफिल हो गई। अब हम नाम दे देते हैं कि इस सरफेस पे जो फ्लक्स है वो है फाई वन, और इस सरफेस जो फ्लक्स है फाई टू, और इस सरफेस पे जो फ्लक्स है फाई थ्री, और इस सरफेस पे जो फ्लक्स है फाई फोर। ठीक है,
अच्छा मैंने दोबारा फिगर बना दिया, ऊपर थोड़ा झमघट्टा हो गया था। अब मेरी बात सुनिएगा, अब ये बात याद रखिएगा, ये जो चार्ज है वो इनसाइड द सरफेस फील्ड है, ठीक है। और ये जो सरफेस हमने ली है एक पॉइंट पे, ये चार्ज जो है उसके अपर साइड पे हमने ये सरफेस ली। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ये है हमारे, यहाँ पे हमारे चार्ज हैं क्या हैं, फील्ड हैं, ठीक है। और ये इसकी इनर सरफेस है और इसके बाद ये आउटर सरफेस है। तो इनर सरफेस चार्ज इस पे चार्ज फील्ड हैं ना कि आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेक्टर एरिया की। वेक्टर एरिया जो होता है वो किसी भी नॉर्मल या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और क्लोज सरफेस के आउटवर्ड होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के क्या होगा, आउटवर्ड होगा वेक्टर एरिया, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी ये नेक्स्ट सरफेस है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ है, ये इसका वेक्टर एरिया हो गया। और उसके बाद 5-3 इसका वेक्टर एरिया ये है, और इस 5-4 का वेक्टर एरिया ये है, ठीक है। इन सब के एक किस्म के हमने क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस सरफेस के। अब आगे बहुत सिंपल काम आ गया है, क्या करना है, हमने इन तमाम फ्लक्स को 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 इनको ऐड अप करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फाई जो होता है, इक्विवेलेंट फाई फॉर एग्जांपल वो क्या होगा, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। आपके पास फ्लक्स किसके इक्वल होता है, ई ए कॉज ऑफ थीटा के। तो ये हम ऊपर अबव पुट कर देंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉज ऑफ थीटा, इसको हम नाम दे देते हैं 1। इसी तरह थीटा हम डिसाइड करते हैं, अभी पहले हम ये लिख लेते हैं, ई ए कॉज ऑफ थीटा 2 प्लस ई ए कॉज ऑफ थीटा 3 प्लस ई ए कॉज थीटा 4। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ऑब्जर्व करेंगे और वेक्टर एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम जो है 5-1 के लिए देखते हैं, 5-1 के लिए देखें, अब से पहली बार ये जो सरफेस थी मैंने आपको बताया वो क्या है, ये इस सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, Q ज़ीरो है। जब चार्ज ज़ीरो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे जनरेट होंगी, ऑब्वियसली नॉट। जब Q ही ज़ीरो हो जाएगा तो E भी ज़ीरो हो जाएगा। तो 5-1 पे जो है फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्यों उस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है। तो 5-1 पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो, ठीक है। हमें एंगल की बात करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, तो 5-1 ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की प्लान की तरफ आते हैं, ये जो 5-2 है, वेक्टर एरिया ये जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये जा रही है। तो हम देख रहे हैं ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री का। तो जो 5-2 है वो इक्वल है ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री के। इसके बाद 5-3 की तरफ आते हैं, 5-3 आप देखें, ये 5-3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है और ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान, दोनों ये पैरेलल हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 0 डिग्री का। तो 5-3 ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री आए। उसके बाद 5-4 है, 5-4 में देखें वेक्टर एरिया हमारे पास ये है और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री का, ई ए कॉज ऑफ
90 डिग्री। अब हम इनमें पुट करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। फाइ ई इक्वल है, फर्स्ट तो हमारा फ्लक्स E1 जीरो हो गया था, और इसके बाद ई ए कॉज ऑफ थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। कॉज 90 डिग्री क्या होता है? ज़ीरो। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। फाइ थ्री हमारा आया है कॉज ऑफ ज़ीरो डिग्री। कॉज ज़ीरो डिग्री होता है 1। 1 मल्टीप्लाई करें ई ए से तो आ जाएगा आपके पास ई ए। इसी तरह 5 4 जो है कॉज 90, फिर ज़ीरो हो जाएगा तो ये ज़ीरो आ गया। तो टोटल फ्लक्स जो आएगा हमारे पास वो इक्वल आएगा ई ए के। अच्छा बच्चों, पिछली वाली एप्लीकेशन में हमने फ्लक्स निकाला था जो कि इक्वल था क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फाइ ई की जगह क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए। अब यहाँ हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है जिसके ऊपर क्या है, चार्ज क्यू है और इसका वेक्टर एरिया ए है। तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लिखते होते हैं बच्चों सिग्मा में। सिग्मा इक्वल है क्यू ओवर ए, चार्ज ओवर एरिया, ठीक है, क्यू ओवर ए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो पुट कर देते हैं हम क्यू की जगह हम पुट करते हैं सिग्मा ए अवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए। ए से कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा अवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई। अब ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू उस पॉइंट पी पे जो हमने फाइंड करनी थी। ये इस पॉइंट पी पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा अवर एप्सिलॉन नॉट इंटू यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है कि जो चार्ज है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से जनरेट हो रही है और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर आर। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल आसान सा था, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।